8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दिन जिस प्रकार की हिंसा की वारदात कालिंपोंग भालीखोप गांव में हुई, मैं उसी गांव में उसी परिवार के साथ मिलने के लिए आया हूं। और आपने देखा होगा कि परिवार के सदस्य स्वयं कैंडिडेट थे, वो और उनकी पत्नी जब पोलिंग बूथ में थे, घर में अकेले 16 साल की एक बच्ची थी, 4 असामाजिक तत्व जो इसी गांव के हैं और जिनके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, उनके कहने के मुताबिक वो घर में आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बड़े बड़े 5-5 किलो पत्थर से गाड़ी को तोड़ा जाता है, गाड़ी के कांच को तोड़ा जाता है, अलग अलग प्रकार की हथियारें यूज होती है, खुकरी से गाड़ी को कई जगह स्टील की गाड़ी को काट दिया जाता है। इससे भी उनका पेट नहीं भरता, 16 साल की बच्ची के साथ उसके साथ भी जो है अन्याय करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, ब्लेड से ब्लेड का सहारा लेकर के कई सारे हाथ में उनको काट दिया जाता है। सो आज के इस युग में, इस वातावरण में ऐसे दुष्ट लोग गांव समाज में मौजूद है, ये निंदनीय है। और मैं पुलिस से मांग करता हूं, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इन चारों को सिक्किम से अभी पकड़ के कस्टडी में है, लेकिन इतना बर सब कुछ नहीं होता, उन चारों के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, ताकि एक गांव समाज में इस पहाड़ में मैसेज जाए कि कोई भी इस तरह का दुष्कर्म करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा उसको होगी, और एक क्लियर संदेश गांव समाज में जाना चाहिए। ऐसा मैंने अभी पुलिस से भी मैंने बात की है, मैं स्वयं चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन से जो है मैं उनके संपर्क में हूं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा भी है कि 48 घंटे में जो भी कार्रवाई हुई है उनकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस तत्परता से और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जांच करेगी और दोषियों को कड़ा सजा उनको मिलेगा, और नहीं मिलता तो उसके ऊपर फिर हम लोग जो भी करना होगा हम भी करेंगे। लेकिन एक मैसेज जाना बहुत अनिवार्य है कि इस तरह का घटना पहाड़ में हो, ये चल नहीं सकता।